खान साहब की इंस्पिरेशन ये थी कि वो इस इलाके के लोगों के लिए एक तो एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहते थे जो वर्ल्ड क्लास हो, जो इस इलाके के बच्चों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। बट ऑल्सो एज वी नो इस नमल यूनिवर्सिटी में सिर्फ मियांवाली या इसके सराउंडिंग एरियाज से तो बच्चे नहीं आते, मुल्क के चारों कोनों से हाई अचीविंग बच्चे यहाँ आके तो आला मयार की एजुकेशन उनको मिलती है जिस और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मिलती है, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली उनकी इम्प्रूवमेंट होती हैं और उसकी वजह से इंशाल्लाह इस पूरे एरिया की इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्ट का एक ये व्हीकल बनेगा, एक तरीका होगा जिससे इस पूरे इलाके की इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्ट होगी इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि अभी यहाँ चार टेक्निकल सब्जेक्ट्स में एजुकेशन दी जाती है इंशाल्लाह। ये हमने देखा है ओवर द लास्ट 10 और 15 ईयर्स जब से कम अज़ कम मैं जानता हूँ इसके बारे में कि ये ग्रो कर रही है इंस्टीट्यूशन और इनके पास ज़मीन बहुत है और एम्बिशंस और प्लान्स बहुत हैं कि इंशाल्लाह ये एक्सपेंड करेगी और ये एक पूरा नॉलेज सिटी बनेगा। और इमरान की हमेशा से उम्मीद ये रही है कि ये ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड इस तरह की इंस्टीट्यूशंस के साथ इंशाल्लाह एक दिन कम्पीट करेगा। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान के लोग इसको सपोर्ट करते रहे तो कोई वजह नहीं है कि हमारी ज़िंदगियों में, शायद नहीं हमारे बच्चों की ज़िंदगी में इंशाल्लाह ये एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन होगी, एट पार विद एनी इंस्टीट्यूशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड।